हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आप सोच रहे होंगे मैं आज आपको इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूं, तो दोस्तों एंड तक आप बने रहना, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जैसे ही हम इनके पास पहुंचे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, आप लोगों को भी उतना ही बड़ा झटका लगने वाला है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ज़िंदगी कितनी अनमोल है, इस चीज़ को आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको हम वीणा बोलते हैं और ये इसको सही कर रहे हैं। आप यदि जिस किसी भी शक्ति को मानते हैं उसने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है तो आपको उसका शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। इनके आंखें नहीं हैं दोस्तों, और ये बिना आंखों के ही अपना सारा कार्य करते हैं और ये इसको ठीक भी अपने आप करते हैं और ये आपको सुना रहे हैं सरस्वती आरती। रहने के लिए इनका कोई अपना घर नहीं है। दोस्तों आप हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो दान करते ही हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप किसको दान कर रहे हैं, जिसके हाथ पैर सलामत हैं, हट्टा कट्टा है, सही है, या फिर कोई ऐसा है मजबूर लाचार। आप अपना दान एक सही जगह पर करें और एक सही इंसान को करें, ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूर करें, उसकी हेल्प करें। चैनल पर आकर आप अपने दिए हुए दान के पैसे की वीडियो देख सकते हैं, उसका उपयोग कैसे हो रहा है। ए मां, 60 के लगभग हो गए। 60 के लगभग। आप रहते कहाँ हैं? और कमरा लिया, किराए किराए पे लिया हुआ है। मतलब अकेले रहते हो? नहीं, कोई सेवा करने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी, धन्यवाद। इसमें रखे हुए पैसे उठा लेना वो भी। तो भाई मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार और साईं मंदिर विष्णु घाट के ठीक सामने। बाबा जी बैठते हैं, ये आंखों से देख नहीं सकते लेकिन बड़ी सुंदर ये वीणा बजाते हैं। एक बार जब भी आप हरिद्वार हर की पौड़ी के पास आएँ तो विष्णु घाट के पास साईं मंदिर के सामने एक बार इनके दर्शन ज़रूर करें और इनकी वीणा बहुत ही सुंदर ये बजाते हैं। इनकी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर करें।